हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर पीडी क्लासेस। आई एम रोशनी सिंह हियर और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सीएसए की एयरपोर्ट पे जॉब रिस्पांसिबिलिटी क्या रहती है, साथ ही इसके इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और अगर आप इसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं टू बिकॉम अ सीएसए तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इन डिटेल बात करते हैं आज के इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो अगर मैं सबसे पहले आपको बात करूं कि व्हाट इज सीएसए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा है। सो सीएसए मींस कस्टमर सर्विस एजेंट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये कस्टमर को सर्व करने के लिए होते हैं एंड दे प्रोवाइड कि वो कस्टमर को एक सपोर्ट देते हैं, दे प्रोवाइड देम अ सपोर्ट। ओके, सो अगर हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन वो 12th होनी चाहिए। बहुत सारे एयरलाइंस में इसकी डिमांडिंग है, वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी डिमांड करते हैं। सो अगर आपने 12th या ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा हो, और आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, यू आर एलिजिबल फॉर इट। ओके, और अगर हम बात करें कि आप इसमें जॉब कैसे ले सकते हैं किसी भी एयरलाइंस में एज अ सीएसए, तो बहुत सारे एयरलाइंस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स निकालती हैं, जिसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहिए और डायरेक्टली वहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ना कि किसी जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको फोन किया एंड दे कॉल यू कि आपको इतना पे करना है फॉर दिस जॉब। किसी भी एयरलाइंस में जॉब के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, पहले तो आप ये जान लें। तो अगर ऐसा कोई आपको बोल रहा है या ऐसा कुछ है तो दे आर फेक। ओके, सो बहुत सारी एयरलाइंस है जो कि पहले रिटन एग्जाम कंडक्ट करती हैं एंड उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए कॉल करती है, एंड सो मेनी ऐसे एयरलाइंस है कि जो कि डायरेक्टली कॉल करते हैं फॉर इंटरव्यूज। सो जैसे अभी हाल ही में आईजीआई जो एविएशन है उनकी तरफ से आया है कि उनका जो रिटन एग्जाम था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है एंड दे आर वेटिंग फॉर इंटरव्यू। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे कि आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे और कहां से करें, देन यू ऑल आर वेलकम टू पीडी क्लासेस। ओके, सो अब बात करते हैं इसके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो अगर इसके पहले जॉब रोल की बात करें तो सबसे पहले होता है कस्टमर को ग्रीट करना, स्माइल के साथ उनको ग्रीट करना, उनको वार्म विशेस करना। सेकेंड पॉइंट पे हम चलते हैं तो कस्टमर की इश्यूज को सॉल्व करना। जैसे एयरपोर्ट पे अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसके रिगार्डिंग हेल्प के लिए वो सीएसए के पास ही जाते हैं, तो ये सीएसए की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके इश्यूज को सॉल्व करना। नेक्स्ट वन है टिकट चेकिंग एंड रिजर्वेशन के रिलेटेड जो भी इश्यू होती है, जैसे जो कस्टमर है, जो पैसेंजर्स है, उनके टिकट को बुक करना या फिर उनको कोई इश्यू हो गया, लेट्स सपोज कि उन्हें कैंसिल करना है, तो इस तरीके के भी जो इश्यूज होते हैं वो भी सीएसए ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन है कि पैसेंजर्स के पास को चेक करना। ओके, उनके लगेज और बैगेज को चेक करना, ये सारी भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सीएसए की ही आती है। नेक्स्ट वन है अगर कोई हैंडीकैप पैसेंजर है तो उनको व्हील चेयर प्रोवाइड कराना, और एज अ सीएसए सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी कि पैसेंजर की सेफ्टी को इंश्योर करना, मेक श्योर कि जो पैसेंजर है वो सेफली जो है अपनी ट्रैवल को कंप्लीट करें और अपनी ट्रैवलिंग को एंजॉय करें, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीएसए की होती है। सो ओवरऑल आप कह सकते हो कि एयरपोर्ट पे पैसेंजर को ट्रैवलिंग से लेके, यानी फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट से लेके डिपार्चर तक, उनको जो भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो टिकट रिलेटेड इश्यू हो, उनके बैगेज रिलेटेड इश्यू हो, या फिर उनको फर्स्ट एड की जरूरत है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम उनको होती है, कोई भी सवाल उनके मन में होता है रिलेटेड टू देयर ट्रैवलिंग इश्यूज, तो वो सब कुछ एयरपोर्ट पे मेक श्योर करते हैं, सॉल्व करते हैं सीएसए। सो होप आपको सीएसए की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अगर हम इसके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, सो ध्यान से सुनिएगा। वेरी फर्स्ट, आप चाहे किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं, जो पहला सवाल आपके लिए बनता है, आई ऑलवेज टेल इन माई एवरी वीडियो, जब पहला सवाल है वो डेफिनेटली आपके इंट्रोडक्शन से होता है। सो अगर आपने अभी तक एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर नहीं किया है तो जाइए पीडी क्लासेस पे, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, उनमें से कोई भी एक वीडियो देख के आप अपने लिए एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, जैसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे, मे भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ दे दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, यानी आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। ओके, अगला सवाल हो सकता है वो आपसे पूछ दे कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू बिकम अ सीएसए। ओके, तो इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की मैं बात करूं तो वो आपसे पूछेंगे
आपके क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड, दैट आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो कहाँ से की है, किस कॉलेज से की है, अगर ट्वेल्थ की है फिर आगे आप पढ़ाई करना चाहती हो या नहीं, यानी इस तरीके के कुछ कॉमन सवाल आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन वो पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबीज क्या है, और अगर आप अपनी हॉबीज कुछ भी बताएं तो डेफिनेटली उसके रिलेटेड ऑल पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर फिर अगला सवाल आपसे पूछ सकता है। ऐसा ना हो कि आपने कुछ बोल दिया और फिर आपको उसके बारे में जेन्युइनली पता नहीं हो, तो आप खुद ही अपने इंटरव्यू में फंस जाओगे और ये आपके लिए एक अच्छा सा इम्पैक्ट नहीं होगा और आपके मार्क्स भी रिड्यूस हो सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे सवाल बताए कॉमन क्वेश्चन, ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, और अगर आप इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो प्लीज पीडी क्लासेस को कॉन्टेक्ट कीजिए। और अगर आप एक सीएसए बनना चाहते हैं और एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ के ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने जॉब भी ली है। आप हमारे यूट्यूब पे जाके उनके ऑलरेडी रिव्यूज देख सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन वीडियो देख सकते हैं, सो यू ऑल आर वेलकमिंग हियर। ओके, सो गाइज, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर आप पीडी क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।